असिम रियाज नहीं बल्कि क्यों जीते सिद्धार्थ शुक्ला, जाने बिग बॉस का पूरा सच। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। बिग बॉस 13 को सिद्धार्थ शुक्ला जीत ही चुके हैं और हर किसी की जुबान पर यही बात है कि ये शो फिक्स था, लेकिन असिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला इस बात से सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन फैंस के बीच यही बात जोर पकड़ रही है कि शो पूरी तरह से फिक्स था। हालांकि ऐसा हर बार कहा जाता है जब किसी की जीत होती है, क्योंकि फैंस को गुस्सा आता है तो वह ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बिग बॉस को लेकर लंबे समय से ऐसा भी कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ही इसके विनर होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा शो इनके ही इर्द गिर्द चल रहा था। इस शो में हर किसी कंटेस्टेंट ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए उनके साथ दोस्ती की और फिर समय आने पर निकल दिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल असिम रियाज रहे हैं। असिम रियाज शुरू से ही सिद्धार्थ शुक्ला की परछाई बनकर रहे, लेकिन जब वाइल्ड का कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई और उन्हें बाहर का आलम पता चला तो उन्होंने रुख बदलने का फैसला लिया। इसमें रश्मि देसाई की दोस्त अरहान खान की अहम भूमिका निभाई है और असिम रियाज को खूब उकसाया है। असिम रियाज घर में लड़ाई के अलावा कोई और एंगल नहीं दे सके। हिमांशी खुराना और उनके लव एंगल को भी कई लोगों ने फेक बताया और यहाँ तक कि इसे लेकर कुछ समय तक तो हिमांशी खुराना भी कंफ्यूज ही रही है। तो वही सिद्धार्थ शुक्ला शुरू से ही ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्होंने जो कुछ भी किया डंके की चोट पर किया है, और यही नहीं, उन्होंने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया और वो वही करते जो वो चाहते थे। वेल, इसके बाद बात करते हैं शहनाज गिल की। शहनाज गिल को उनके मेकअप आर्टिस्ट ने कहकर भेजा था कि अगर घर में कोई पसंद आए तो लव एंगल जरूर बना लेना। शहनाज गिल इसके लिए पहले पारस छाबड़ा के साथ खूब प्रेम की पिंगे बढ़ाती दिखी, लेकिन माहिरा के आने से उनका गेम पूरी तरह से खराब हो गया। फिर उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला का दामन थामा। फिर घर में आए कंटेस्टेंट से उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ को बाहर खूब पसंद किया जा रहा है। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ दोस्ती पर और भी जोर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ भी किसी का फायदा नहीं लिया। तो वही रश्मि देसाई, अरहान खान और देवोलीना भट्टाचार्य जी शो में तभी तक नजर आए जब तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका नफरत या फिर प्यार वाला एंगल था, वरना उनका घर में आना पूरी तरह से बेकार था। इस तरह से बिग बॉस 13 में बाहर की बातें घर में खूब हुई है, लेकिन इसी के चलते सिद्धार्थ शुक्ला सबके निशाने पर रहे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ऑलरेडी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे। हालांकि शो पर फिक्स होने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जिसने भी इस सीजन को पूरी तरह से फॉलो किया है वो ये बात अच्छे से समझ जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जैसे शो में एंट्री मारी थी आखिर दिन तक वो वैसे ही रहे थे। यही नहीं, शो के पहले दिन ही अधिकतर फीमेल कंटेस्टेंट ने सिद्धार्थ शुक्ला के कई तरह के काम में अपना पार्टनर चुना था। फिर पूरे सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला एक चुंबक की तरह रहे और पूरा गेम उन्हीं के इर्द गिर्द चलता रहा। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।